स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ रहा होता है, और आपको लगातार ये परीक्षा एक गिल्ट में डालती है। बड़ी रोचक बात है, आप मुखर्जी नगर की मार्केट के सामने से गुजरिए और आपको चाय पीते हुए लोग, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लोग, थोड़ा सा थोड़ी हंसी ठट्टा इश्क करते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा करने के लिए गिल्ट लगातार लगा रहता है। आई होप यू आप समझ पा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आधे घंटे का ब्रेक लिया है और आधे घंटे का ब्रेक खींच के 40 मिनट का हो गया, तो वो बेचारा अपराध बोध में मरा जा रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, देखो बाकी लोग तो पढ़ रहे होंगे, विच इज ट्रू इन अ सेंस कि वाकई पढ़ रहे होंगे, लेकिन मनुष्य को इन छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए गिल्ट हो, ये कोई बहुत सुखद चीज तो है। इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दीज आर ऑन द पर्सनल फ्रंट, बट व्हाट आई एम एड्रेसिंग टुडे इज मोर टू डू विद द सिस्टमिक थिंग्स। चैलेंजेस आर सिस्टमिक आल्सो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो इंडिविजुअल इज अलाइक। आप अपने साथ प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस दोनों लेकर आते हैं। आप कौन से परिवार से आते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, आपका माध्यम क्या है, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें आपके साथ या तो कुछ प्रिविलेजेस लाती हैं या कुछ डेप्रिवेशंस लाती हैं। एंड यू हैव दिस यूनिक सेट ऑफ डेप्रिवेशंस एंड प्रिविलेजेस विच इज नॉट कंपेरेबल विद एनी अदर कैंडिडेट। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी कंपेयर्ड? स्कोर्स। और वो स्कोर्स इन प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस का फंक्शन होते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं समझ सकते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये इन्हीं से तय हो रहे होते हैं, और बाद में आप मान लेते हैं कि आपकी व्यक्तिगत सफलता या असफलता है। मैं बार बार वो केस लेता हूं, अक्षत जैन, आप लोगों को याद है, AIF2, द सेम गाय प्रपोज टू द ग्लास ऑफ वॉटर, राइट? IRS, Revenue Service Officer, Mother, Police Service Officer, IPS, Father, studied from IIT Guwahati, B Design, best school possible in Jaipur. If you look at Akshat Jain, for me as an interviewer, Akshat Jain is a bunch of privileges, nothing else. He's a wonderful person, but he's a bunch of privileges, right? And comparing it with somebody who's, for example, is bunch of deprivations by the same examination, that is the stress you have to handle in a systemic manner. You cannot disown your privileges, you cannot disown your deprivation, but still you have to be in that race where you see there are many who are starting the race long ahead, but at the same time also the guilt that there are many who are starting the race long behind in the same race. That is another challenge you have to overcome. Apart from obviously the technical challenges, क्या पढ़े, कब से पढ़ना शुरू करें, study material कहां से arrange करें, that steps. Thank you.